निर्जला एकाशी सब पापों को हरने वाली अर्चना अमिताभ राठौर सोनीपत निर्जला एकाशी को लेकर कबीरपुर रोड पर स्थित शिरडी साई धाम से भंडारा और मीठे पानी की छबील लगाई गई, जहां पर शिरडी साई धाम संचालक अर्चना अमिताभ राठौर, रवि गांधी व अन्य लोगों ने लोगों को श्रद्धा से मीठा पानी पिलाया और भंडारा लगाया गया। आज सुबह के समय से शिरडी साई धाम में काफ़ी भीड़ रही। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और भंडारे में साई प्रसाद ग्रहण किया। साई धाम मंदिर से सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शिरडी साई धाम सोनीपत के संचालक अर्चना अमिताभ राठौर ने बताया कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सोनीपत में भी शिरडी की तरह साई प्रसादालय शुरू होने जा रहा है, जिससे सोनीपत वासियों के सहयोग से जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सभी भक्तों को जय साई राम। आज निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर शिरडी साई धाम में मीठे पानी की छबील सुबह 9 बजे से लेकर और साई इच्छा तक अब तक चल रही है, और एक विशाल भंडारा भी करा गया जिसमें पूरा सोनीपत का सहयोग मिला और पूरे भक्तों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग करा। और आज इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज गुरुवार है, भक्तों ने आके बाबा से आशीर्वाद मांगा। और ये व्रत मनुष्य इसलिए रख रहा है, करता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य का जब अंत समय आता है तो उसे यमदूत आके नहीं गिरते, बल्कि भगवान के पार्षद आकर उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। इसका अतिश्रेष्ठ इसीलिए इसे अतिश्रेष्ठ व्रत माना गया है और कल्याणकारी सिद्ध है। सभी भक्तों को शिरडी साई धाम सोनीपत की तरफ से हार्दिक। सोनीपत से कंचन टीवी के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।